थाना यमुनापार क्षेत्र में रेलवे लाइन किनारे एक युवक का शव नाले में मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां तैयापुर पानी की टंकी के रहने वाले परिजनों ने बताया कि लगभग 2 दिन पूर्व 44 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद का सामने रहने वाले पड़ोसी सुनील और गोटा से बच्चों की मामूली विवाद को लेकर मारपीट हो गई। इस पर पड़ोसियों द्वारा 8 दिन के भीतर देख लेने की धमकी दी गई। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद रात को अचानक गायब हो गए। चिंतित परिजन दूसरे दिन उनकी तलाश में निकले तो राजेंद्र प्रसाद का शव ईसापुर के समीप रेलवे लाइन किनारे नाले में पड़ा मिला। बातचीत करने पर मृतक के परिजन द्वारा मारपीट करने वाले पड़ोसियों पर हत्या करने का आरोप लगाया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को भी हिरासत में लिया है। जयपाल मेरे बड़े भाई हैं राजेंद्र प्रसाद, ये 2 दिन पहले वो लड़ाई हुई थी बच्चों के ऊपर आपसी में, उसी दिन रात से ही गायब था ये। हमने काफ़ी कोशिश करी ढूंढने की, चौकी भी गए कल हम लोग, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन तो जवाब नहीं मिला हमको, वहाँ से हमको लौटा दिया। आज सुबह पता चली कि रेलवे ट्रैक के पास में ये बॉडी मिली। लाइटिंग करने जो बच्चे जाते हैं उन्होंने बताया कि कोई अब नाले में कोई पड़ा हुआ है, जब जा कर देगा तो भाई था हमारा। तो सीधा मारा है ना उन लोगों ने, सुनील है और गोटा है और उसका चाचा है, ये पड़ोसी है, हमने सामने रहते हैं। बता रहे हैं कोई विवाद भी हुआ था 2 दिन पहले, विवाद हुआ था बच्चों के, कुछ विवाद था और कोई विवाद था, हल्की फुल्की बातें जो हर किसी में हो जाती हैं, मगर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देंगे ये नहीं पता था। ये 2 दिन पहले घर से जब लड़ाई हुई थी ये बोल के भी गए थे, कह रहे थे वानी के 8 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगी क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। मारने की धमकी दी थी स्पष्ट उन्होंने, ये तो काम पे गए थे सुबह के, इन्हें इनको तो पता भी नहीं था लड़ाई हुई है कि नहीं हुई है क्या नहीं है कुछ नहीं। ये तो उन्होंने रात को लौटते में पकड़ा है इन लोगों ने।